It is well said that survival can be summed up in three words never give up, just keep trying. So, with special excitement, I am pleased to welcome Ms. Malvika Mathur on behalf of the entire team of Aircrew Aviation Private Limited and Asiatic International Business Academy. It is an honor for me to introduce our special guest of the day in the International Webinar 2020 ms malvika mathur is a digital marketer by profession and corporate poet by passion she is, in a, she is an expertise in developing strategies for client she raises her voice against the wrong corporate system she started her profession he, i'm really sorry she started her profession journey as a web designer then life took a turn and made her a very successful digital marketer we welcome you all ma'am and we are very happy that you are sharing this platform with us and now it's all up to you. Thank you so much. Thank you. Uh, it's my pleasure connecting with you all. Thank you for having me here. So hello to all uh, MBA students. Uh, since it's a Sunday, so few of them you uh, might be thinking that there is a webinar or attend attend because it's a holiday. So everyone time hai, but Uh, एक वेबिनार है तो अभी कोई और आएगा लेक्चर दे के जाएगा तो वही बोरिंग सा रहेगा आता एक घंटा तो टाइम देखते रहोगे कि कब खत्म हो सो बट आई विल ट्राई टू कीप दिस सेशन इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप बोर ना हो मेरे किसी भी उससे सो विल कीप दिस सेशन इंटरक्टिव एंड ऑल्सो डोंट ट्रीट मी एज अ टीचर कि कोई आया है तो लेसन्स दे के जाएगा वी ऑल आर फ्रेंड्स हमारे और तुम्हारे आपके जनरेशन में थोड़ा ही डिफरेंस होगा सो वी ऑल आर लर्नर जब तक हम लर्न कर रहे हैं हम सब यहाँ मेक इट इंटरैक्टिव सेशन और uh, आपको भी अगर कुछ कॉरपोरेट के एक्सपीरियंसेस हुए हैं जैसे आप ऑल यू ऑल एमबीए तो माइट भी आपने एमबीए बी से पहले कहीं पे जॉब करा हो सो एनी शेयर

इन द फॉर्म ऑफ पोएम आई विल एक्सप्लेन की कौन कौन से कैसे कैसे सीनैरियोज हमें फेस करने पड़ते हैं जब वेन वी पुट अस्ट स्टैप इन दिस कॉरपोरेट वर्ल्ड सो लेट्स बिगेन बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट वॉट आर दिंग्स दैट कम्स टू योर माइंड वेन यू थिंक ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है ना जब हम फर्स्ट कंपनी के लिए सर्च करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें uh, जाना है अब कॉरपोरेट वर्ल्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में रहते हैं कि कैसा एनवायरमेंट होगा बॉस और मैनेजर्स खड़ूस रहते हैं तो कैसे होंगे या फिर और हाउपीवर टारगेट्स तो दे आर मैनी क्वेश्चन जो हमारे uh, दिमाग में आते रहते हैं बट विद पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपीरियंस वी लर्न ईच एंड एवरी सो टाइम के साथ हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे क्या कैसे सर्वाइवल के लिए हम करते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं बट कुछ है प्रैक्टिकल चीजें हैं जो होती हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एंड इफ यू हैव एनी प्लीज यू कैन शेयर तो हो सकता है मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिले क्योंकि वी ऑल आर लर्नर्स एज आई सेट सो लेट्स बिगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन ओके, सो माय फर्स्ट स्टेप टू सरवाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नेवर लेट अदर्स टेक द क्रेडिट ऑफ योर वर्क व्हेन यू एंटर एनी ऑर्गेनाइजेशन यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे बहुत सारे आपके कलीग्स होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो या चाहेंगे कि uh, जो भी आपके पास है जो भी स्किल्स हैं वो आपसे ले लें और वो खुद उन स्किल्स को मैनेजमेंट तक पहुंचाएं

जो लोग हमारा एडवांटेज उठाना चाहते हैं वो आगे आके अपना आपका क्रेडिट ले लेंगे सो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड नो वॉट काइंड ऑफ नॉलेज टू बी शेयर विद वॉट काइंड ऑफ पीपल हो सकता है आप अपनी जो स्ट्रैटेजी के साथ शेयर कर रहे हैं वो उस स्ट्रैटेजी को अपनी बना के मैनेजमेंट तक पहुंचा दें सो so, ऐसी चीजें बहुत होती हैं एंड सो देर फॉर इट इज नेसेसरी दैट यू शुड डू योर स्मार्ट वर्क यू शुड कीप शोकेसिंग योर वर्क एंड ऑलवेज बी विजिबल अपनी विजिबिलिटी हमेशा दिखाते रहिए मैनेजमेंट को सो so दैट उनको पता चले हाउ मच वॉट यू आर डूइंग एंड हाउ प्रोडक्टिव यू आर वेन इट कम्स टू कंपनीज ग्रोथ सो आई हैव समराइज दीज पॉइंट एंड फ्यू फोर लाइन्स खुद के काम का क्रेडिट किसी को लेने ना देना स्मार्ट वर्क से अपने काम को शोकेस करते हैं रहना बॉस का चमचा नहीं एक सिंसियर एम्प्लॉय है बनना कब किसे क्या और कैसे है बोलना बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान है रखना एंड वन मोर थिंग आई टू से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बॉस की गुड बुक्स में आ गए तो हो सकता है हमारा प्रमोशन हो जाए तो जो बॉस बोलते हैं हाँ 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 जो बॉस बोलता है जो मैनेजमेंट बोलता है तो हम वही करते रहते हैं बट ऐसा नहीं है डोंट बी बॉस चमचाज डोंट डू एनी थिंग टू कम इन द बॉस गुड बुक्स इन स्टेट बी एंसियर एम्प्लॉय

Uh, अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे अगर प्रोफेशनल आप नहीं है या कुछ प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर रहे सो दीज आर दी रीजन्स बिहाइंड ऑफ योर बॉस सो सिट विद योर बॉस और द मैनेजमेंट आप अपने उसके साथ बैठिए शो केस योर स्किल्स शो केस वॉट आर इज गोइंग रॉन्ग प्रेजेंट योर वीकनेसेस एंड स्टेंस और उससे पूछिए कि क्या कहाँ गलती हो रही है इज दर एनी थिंग यू हैव टू इम्प्रूव सो अगर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है so be in continuous touch with your management and have a continuous communication with your management because dono mein employees and management mein agar understanding hogi tabhi ek company chalti hai agar understanding nahi hogi to company kabhi nahi chalti so be friendly with your management share everything share what your feeling अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है share with your management अगर आपको लगता है तो आप अपने management को बोलिए तो जो problem है बैड बॉस होते हैं बैड मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी सो बॉस एंड मैनेजर्स बहुत तरह के मिलेंगे कुछ अच्छे तो कुछ बुरे अनुभव देके जाएंगे पर ये भी सच है कि कॉरपोरेट का असली मतलब वही तुम्हें सिखाएंगे एट दी एंड इट्स योर मैनेजमेंट जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं तो उनके साथ एक फ्रेंडली रेपो बनाना बहुत जरूरी है माई थर्ड टिप टू सरवाइव इज लर्न टू से नो यू नो हाँ यस बोला इज वेरी इजी नॉट इन कॉर्पोरेट लाइफ बट इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो हम नो कहने से डरते हैं हमें लगता है हम नो बोलेंगे तो कंपनी कहीं हमें निकालना दे कहीं मैनेजमेंट बुरा नहीं मान जाए बट ऐसा होता नहीं है यू नो नो इज अ डिसीजन एंड येस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन यू आर सेस टू ईच एंड एवरी थिंग बट अगर आप किसी काम को आपका आपके पास कोई काम आया है आपके पास बहुत सारा अभी है काम But अगर आपके पास कोई और, काम आ गया और आपने उसको हाँ बोल दिया बट वॉट इफ अगर आप उस काम को कर नहीं पाएल डोंट से ना कर सके जॉब असाइन टू यू इज नॉट विथ इन योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीजली नो बट इन मैनर यू कैन सेव समर्क बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट टास्क विच यू है इन अ कपल ऑफ आर्स और डेज ओके सो प्रायोटाइज योर वर्क आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट काम है और क्या नहीं अगर आपको लग रहा है आपके पास बहुत सारा काम है और एकदम से आपके पास और आ गया है तो आप पोलाइटली सह सकते हैं कि ओके माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट स्टिल आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगा इसको करने की बट आई विल नॉट से आई विल नॉट श्योर अबाउट इट की मैं कर पाऊंगा सो डेफिनेटली कैन से नो अगर आपको लगता है कोई काम आप नहीं कर पाएंगे आपको उसको करने के लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी तो उसमें कुछ कोई मैनेजमेंट आपका बुरा नहीं मानेगा एंड ऑल्सो नेवर अफ्रेड टू रेज योर वॉइस इफ यू थिंक एनी थिंग इज नॉट गोइंग इन योर डायरेक्शन देन रेज योर वॉइस एज एन एम्प्लॉय अभी क्या है बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि हमारे हॉलीडेज वगैरह सब फिक्स रहता है जस्ट एन एग्जाम्पल हॉलीडेज वगैरह सिर्फ फिक्स रहते हैं लेकिन जब कोई एम्प्लॉय हॉलीडे के लिए लीव मांगने के लिए जाता है मैनेजमेंट के पास तो मैनेजमेंट का चेहरा देखते हो उसको ऐसा लगता है जैसे चक्कर खा के अभी गिर गया है शॉक हो जाता है वो बट उसके वो employees के वो के हक रहते हैं लेकिन जब एक दिन का हॉलीडे मांग, आ, मांगने के लिए जाते हैं तो वो उस वक्त वो जो एम्प्लॉय होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाता है कंपनी के लिए जैसे पूरी कंपनी का जो ग्रोथ का जो भा, भार है वो उसी के ऊपर है तो इफ यू वांट अगर आपकी लीव्स आपके असाइन करी हुई है इट इज ऑलरेडी असाइंड इन योर ऑफर लेटर सो इट्स

अगर कंपनी आपकी केयर करेगी सो एम्प्लॉयज भी आपका केयर करेंगे इफ़ यू कंपनी टेक केयर ऑफ विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू क्यों ऐसा होता है कि साल साल दस साल तक पंद्रह साल तक जो एम्प्लॉय होते हैं वो एक ही कंपनी में रहते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि कंपनी उनकी केयर करती है कंपनी उनको हर चीज प्रोवाइड करती है जो उनके लिए नेसेसिटीज हैं जो उनके लिए जरूर जरूरी है और कुछ एम्प्लॉयज आप देखोगे हर एक साल में दे चेंज कंपनीज बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी पॉलिटिक्स कंपनी पॉलिसीज सो जस्ट कीप इन माइंड इफ यू थिंक समथिंग इज नॉट गोइंग रॉन जस्ट लर्न टू से नो एंड लर्न टू रेज योर वॉइस एंड इफ यू थिंक समर यू आर रॉन्ग झुकना भी जरूरी है सो so, जहाँ लगे कुछ गलत वहां आवाज उठा उठाना भी होगा और अगर हो तुम गलत तो सर झुकाना भी होगा डरना नहीं निडर हो के अपनी बात को है रखना अपनी स्किल से ही तुम्हें सबका दिल है जीतना

बहुत सारे हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे फियर्स होते हैं बट बी फियरलेस इन फ्रंट ऑफ योर फियर्स अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत काम ज्यादा हो रहा है टेक अ ब्रेक इफ यू थिंक यू आर एबल टू कंप्लीट योर वर्क इन दी ऑफिशियल आवर्स विच आर नाइन आवर्स सो डोंट स्टे आफ्टर योर ऑफिशियल आवर्स आपके लिए सिर्फ नौ घंटे हैं ऑफिस को देने के लिए उसके बाद द होल अदर रेस्ट आवर्स आर फॉर यू टू डिवोट योर टाइम फॉर योर फैमिली

ऑफिस में काम करें तो स्ट्रेस फ्री होके करें और जब घर जाए तो ऑफिस की टेंशन कभी भी घर लेके नहीं जाए एंड ऑलवेज में स्टे आफ्टर नाइन आवर्स ओके सो हेर रिटर्न वर्क लाइफ बैलेंस भी होना है बहुत जरूरी ऑफिशियल आवर्स के बाद बना लेना ऑफिस से दूरी ऑफिस के बाहर भी है तुम्हारी एक दुनिया याद रखना उसी से है तुम्हारी

हमारे स्किल्स इनके सामने इनके इतने सारे एक्सपीरियंस लोग है बट नेवर थिंक दैट यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योअर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पीपल आर इफ दे हैव एक्सपीरियंस देन यू हैव दील टू डू समझ इसलिए आपको हायर किया है यू हैव समिंग फ्रेशनेस यू ब्रिंग विद यू सम्रेशनेस इन योर वर्क बिकॉज बहुत कुछ नया है जो एक्सपीरियंस लोग भी आपसे सीखेंगे सो यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्किल्स स्किल्स ओवर कॉन्फिडेंट एज वेल एज अंडर कॉन्फिडेंट अगर आपको लगता है कुछ ओपिनियन है जो आपको शेयर करनी चाहिए तो आप करिए फ्रंट साइड पे, फ्रंट लाइन में आके करिए आप बताइए मैनेजमेंट को कि आपकी ये ओपिनियंस हैं। हो सकता है वो ओपिनियंस आपके कंपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल हो जाए बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ हो सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट प्लीज शो किस योर स्किल्स शेयर योर ओपिनियंस whenever एवर यू एंटर because ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यही टाइम होता है आपके लिए कुछ सीखने का कुछ बनने का तो अगर आपको कुछ स्किल्स अपनी दिखानी है तो एक यही टाइम होता है जब आप एंटर करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सो यू हैव मैनी थिंग्स इन माइंड एंड मैनी पॉजिटिव थिंग्स यू शुड टेल टू दी पीपल अराउंड यू सो इसलिए कॉन्फिडेंस लूज कभी नहीं करना चाहिए लूज योर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर मैनेजमेंट इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स ऑलवेज हैव

बस खुद पे हो भरोसा तो आगे बढ़ने के मौके हजार मिलेंगे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर हेयर जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ट्रू स्किल्स आपको खुद को पहचाना है खुद की स्किल्स को पहचाना है एंड देर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एम्पल ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर टैलेंट लाइक यू डर के नहीं सर उठा के है करना काम क्योंकि हमसे ही है हर कंपनी की शान चैलेंजेस आएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे इन्हीं से तो हम आगे चल के एक्सपीरियंस कहलाएंगे नेवर स्टॉप लर्निंग एक चीज ध्यान रखना कंपनी को खोलने वाला सीईओ होता है बट उसको कंपनी को चलाने वाले हम होते हैं एम्प्लॉइज कंपनी की शान होते हैं हम तो हमेशा ध्यान रखना वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन सो फील लाइक दैट ओनली एंड कीप लर्निंग नेवर स्टॉप लर्निंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर दर्वाइवल एक्सपीरियंस बंदा भी अगर लर्न याद लर्न करना छोड़ दे सीखना छोड़ दे तो वो भी फ्रेशर से ही स्टार्ट करता है इसलिए चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हमेशा लर्न याद सीखते रहिए रीड बुक्स शेयर योर नॉलेज कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स क्योंकि आप देखते हैं अगर एक दो साल का गैप हो जाए तो अगर दस साल का एक्सपीरियंस का भी जो बंदा होगा उसको भी कंपनी लेने से डरती है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी स्किल जो है आउटडेटेड हो गई होंगी क्योंकि इसने दो साल का ब्रेक लिया है तो एक्सपीरियंस्ड के लिए भी वही है कि हमेशा लर्न अपनी न्यू न्यू स्किल्स सोचते रहिए टू सर्टिफिकेशन एंड शेयर नॉलेज गेन नॉलेज फ्रॉम योर मैनेजर्स फ्रॉम योर एच आर मैनेजर्स फ्रॉम योर कलीग्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत कुछ है सीखने को हो सकता है आपका कुछ हिडन टैलेंट सामने आए कंपनीज में काम करते करते लाइक आई डिस्कवर्ड माई टैलेंट लाइक दैट आई कैन राइट कॉर्पोरेट पोएम्स वेन आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ माई फर्म सो so, ऐसे ही हो सकता है आपके भी कुछ स्किल निखर के आए जो आपको बहुत ही आगे लेके so, हो सकता है कोई आपकी hidden skill सामने सामने आके आए अ बिग डील कुछ इट्स वेरी फन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट ऐसा नहीं है कि कुछ हवा नहीं है कि भाई जाएंगे तो बहुत कुछ नेगेटिव होगा या कुछ होगा ऐसा नहीं इट्स लाइक अ स्कूल यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और आप कुछ अच्छा ही करके निकलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे दुनियादारी सीखेंगे यू नो हाउ टू शोकेस योर टैलेंट स्किल्स आप बोलना सीखेंगे अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको बोलना सिखाएंगी आपको बोल्ड बनाएंगी यू विल बिकम एक्टिव यू विल बिकम डिसीजन मेकर मेनी थिंग्स विल लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपनी लाइक माई ईच एंड एवरी कंपनी फ्रॉम माई एंड एवरी कंपनी आई लर्न समथिंग न्यू और हर कंपनी ने मुझे कुछ ना कुछ बनाया है लाइक माई फर्स्ट कंपनी

तो हम सब फ्रेशर्स ही हैं और मैं भी अभी, -अभी सीख ही रही हूँ आप भी सीखेंगी और अभी जैसे देखा है एट एंड आई जस्ट वांट टू से कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी एम्प्लॉयज का और जो जॉब सीकर हैं उनकी जो हालत है अभी बहुत बुरी है दे आर बींग हाइड फ्रॉम देयर जॉब्स दे आर नॉट गेटिंग कंप्लीट सैलरी उनको काम ज्यादा करा रहे हैं बट दे आर नॉट दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एंड द जॉब सीकर so keeping that in mind uh, i have written one poem i would like to conclude this session with that poem i hope you will like it सोचा था हमने भी कभी कि कंपनी की शान है हम कंपनी की सक्सेस के 90 जिम्मेदार हैं हम रात दिन एक कर टारगेट्स पूरे करने में जो लगे रहते सोचा था इज्जत तो है क्योंकि ईमानदार एम्प्लॉयज हैं हम बॉस को गाली जरूर दी पर कंपनी से बेवफाई नहीं की कभी छुट्टी ना मिलने पर गुस्सा भी बहुत आया पर रिजाइन करने की धमकी नहीं दी कभी सोचा था कंपनी के बुरे वक्त में हम काम आए हैं तो हमारे बुरे वक्त में कंपनी भी काम आएगी पर ये नहीं सोचा था कभी कि एक दिन ऐसी आंधी आई कि कॉर्पोरेट का असली चेहरा दिखलाएगी कोरोना वायरस ने छीनी न जाने कितनों की नौकरी दर दर भटक रहे न जाने कितने मेहनती कर्मचारी बिजनेस मोशन से नहीं चलता है प्रॉफिट से ये बात कोरोना ने बेखूब समझाई न जाने कितनी कंपनीज ने फायरिंग की छड़ी सी लगाई चाहे चार हजारों फोन किया करती थी ये कहने के लिए दैट यू आर हायर्ड हाँ जो उसने एक दिन नहीं लगाया ये कहने के लिए दैट यू आर फायर्ड ब्रेकिंग न्यूज में जहाँ होनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी की बात वहां जुट रही है न जाने क्यों कंगना और रिया के लिए आवाज चलो छोड़ो यार स्किल्स है तो फिर किसका डर है मुश्किल है वक्त तो क्या हौसला तो बुलंद है बुरा वक्त है

And um, I don't have words right now because you, you took my heart and with lots of emotions, and you are the first lady in my life who uh, spoke about this topic from emotional perspective. So I am very much glad to have you. Thank you. Thank you so much. And uh, at the end, uh, I just want to say that what is your uh, what is your perspective? How you lead your life in the context